हेलो एंड वेलकम बैक टू अंधताज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू नज़ाकत की रेसिपी। जी हाँ, इस रेसिपी का नाम ही नज़ाकत है, तो हमें इसे बनाना भी नज़ाकत से ही है। सो ये आलू की जो रेसिपी है, ये है तो बहुत लॉन्ग, लेकिन हमने इसे आसान बना दिया है। सो लेट्स सी द रेसिपी। तो सबसे पहले हमने आलू बॉईल कर लिए हैं, तो मैंने 4 से 6 आलू बॉईल कर लिए और इसे आधे टुकड़े में काट लिया है और मैंने इसे ठंडा करने के लिए रहने दिया। सो ये आप देख सकते हैं ठंडा हो गया है, तो इट इज़ क्वाइट हार्ड और हमें इस तरह से इसका स्किन निकाल लेना है। ये टूट ना जाए या मशी ना हो जाए, इसीलिए हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमें इसे बीच में से स्कूप आउट करना है। सो आई विल शो यू हाउ। ये हमने डी स्किन कर लिया इसे और हमें इसको बीच में से स्कूप करना है। सो ये हमने स्कूपर ले लिया है, फ्रूट स्कूपर या वाटरमेलन स्कूपर जो हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरह से हमें स्कूप आउट कर लेना है। और जो हम स्कूप कर रहे हैं आलू, उसके अंदर का पार्ट भी हमें अच्छे से संभाल के रखना है कि वो हम फिलिंग में यूज़ करने वाले हैं। और जब आप स्कूप करें तो ट्राई करें कि बहुत मोटा ना रह जाए, इट हैज़ टू बी नाइस एंड पतला कोटिंग। सो मैक्सिमम जितना स्कूप कर सकें आप कर लें। सो ये हमने स्कूप कर लिया, कैन यू सी दैट। और अब हम एक जो हमने स्कूप आउट किया है इसका पोटैटो के बाकी के हिस्से, इसे हम कर लेंगे फ्राई। सो वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो ये रहा हमारे आलू के बीच के पोर्शंस, ये देखिए इस तरह से हमने इसको क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। अब तब भी हो जाएगा, ये हम लोग यूज़ करेंगे हमारे फिलिंग में। तो सबसे पहले हम फिलिंग के लिए ये आलू ही ले लेते हैं जो हमने क्रिस्प फ्राई कर लिया है, और इसे अच्छे से मैश कर लें। आप मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं इस तरह से। क्या मस्त क्रिस्पी आवाज़ आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। इसमें हम डालेंगे पनीर। सो एक कप पनीर ले लिया है, वो भी ग्रेट करके। तो ये है हमारा धनिया बारीक कटे हुए, 3-4 मैंने काजू ले लिए हैं और उसको मैंने बारीक काट लिया है इस तरह से। अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट 1 टीस्पून ले लेना है, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, इससे इसमें बढ़िया सा टैंगी फ्लेवर आएगा। तिखास के लिए मिर्ची पाउडर, वो भी 1 टीस्पून लिया है। यहाँ मैंने किशमिश ली है, तो छोटी छोटी मैंने काट लिया उसे, सो मुँह में बढ़िया से एक मिठास आएगी। अब हम थोड़ा सा कसूरी मेथी लेंगे, अच्छे से ऐसे क्रश करेंगे और वो भी डाल लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, और अब हम सबको मिक्स कर लें। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, चाट मसाले की, मिर्ची की, धनिया और मेथी, इट्स अमेजिंग फ्लेवर। अब एक बाउल में हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, इसकी हम स्लरी बना देंगे। तो पानी डाल के अच्छा सा घोल बना लें। इस तरह से घोल रेडी हो चुका है और अब हम इस घोल में आलू को डुबाएंगे। तो जो हमारे आलू को हमने स्कूप आउट कर लिया है, उसे हम स्लरी में इस तरह से डुबाएंगे। फिर हमारे ब्रेड क्रम्स में इसे कोट कर लेंगे। बैक साइड को हम फिर से डिप करेंगे
क्योंकि हमें ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची चाहिए है, और फिर से हम इसे डबल कोट करेंगे। ये रेडी हो चुका है। इस तरह से हम सारे आलू को क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे आलू कोट हो चुके हैं एंड दिस इज़ रेडी टू फ्राई। हमारा तेल गरम हो चुका है और अब हम डालेंगे एक एक करके हमारे सारे पटेटोज। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना है, और ये बढ़िया सा क्रिस्पी हो जाएगा। गेट दिस। ये हमारे क्रिस्पी पटेटोस रेडी हो चुके। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। इस तरह से हमारी फिलिंग हम इसमें भर देंगे। चटपटा सा फिलिंग हमारे क्रिस्पी आलू में। लुक एट दिस। हम हमारे सारे आलू इसी तरह से भर लेंगे। ये हमारे सारे आलू हो गए हैं रेडी एकदम नज़ाकत के साथ, एंड दिस इज रेडी टू सर्व। तो हमारे नज़ाकत आलू हो गए हैं रेडी। इट्स नाइस एंड क्रिस्पी, बढ़िया सी फिलिंग है और सॉस हमने ऊपर से डाला है। एंड लेट मी टेस्ट। यू शुड ट्राई दिस रेसिपी, इट इज़ सो अमेजिंग, एंड लेट मी नो। So, see you next time with some lovely recipe with a twist.